नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके तारे में बात करेंगे आपके दिन भर के हाल की, ये समझेंगे कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है और किन किन सलाहों का पालन करके आज के दिन को आप अपना बेहतर बना सकते हैं, दिन से फायदा उठा सकते हैं। बात करेंगे आज के राम बाण उपाय की और उनकी भी बात करेंगे जिनका आज जन्मदिन है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की सलाह। आज सायंकाल घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, शंख और घंटी की ध्वनि करें। ऐसा करने से बुध की स्थिति थोड़ी मजबूत होगी, बुध थोड़ा प्रबल होगा और ऐसा करने से अनावश्यक चिंताओं से आपको राहत भी मिल पाएगी। अब जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि तक के लोगों का आज का दिन कैसा जाने वाला है और फिर बात करेंगे आज के रामबाण उपाय की। मेष राशि, सेहत का आपको बहुत ख्याल रखना है और चूंकि सेहत बहुत अच्छी नहीं है इसलिए आज यात्रा पर भी ना जाएं। कारोबार में सुधार होता हुआ दिख रहा है, कारोबार का मामला, व्यापार का मामला अच्छा दिखाई दे रहा है। आज की सलाह ये है कि जल्दबाजी में काम करने से आपको बचना है, अपने पार्टनर के साथ आपको संबंध ठीक बनाए रखना है और आज साफ वस्त्र धारण करके ही घर से निकलना है ताकि किस्मत आपकी बेहतर तरीके से काम करती रहे। वृष राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे हो रहे हैं और किसी छोटी लेकिन आनंद की यात्रा के योग भी बने हुए हैं। आज की सलाह ये है कि शाम के बाद ही महत्वपूर्ण काम करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। आज छोटी छोटी बातों को तूल मत दीजिएगा, हर बात पर गुस्सा मत करिएगा और आज हल्की सुगंध का अगर आप प्रयोग करें तो आपका दिन अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, जीवन साथी का सहयोग कम से कम अब बन रहा है, चीजें बेहतर हो रही हैं, नए काम की शुरुआत दिख रही है और कारोबार में धन की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है। आज की सलाह ये है कि अति विश्वास से आपको बचाव करना है, दूसरों की भावनाओं को समझिए, कुछ ऐसा मत बोलिए, कुछ ऐसा मत कहिए जिससे दूसरों को कष्ट हो और थोड़ा सा समय पूजा उपासना में अगर आप दें तो आपकी मुश्किलें आज कम हो जाएंगी। कर्क राशि, वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है और साथ ही साथ क्रोध पर नियंत्रण भी आपको बनाए रखना है। आज उपहार मिलने की संभावना दिखाई देती है, देर शाम आनंद और उपहार दोनों की संभावना बनी हुई है। आज की सलाह यह है कि आप वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, सहयोगियों के साथ नम्र व्यवहार रखें, सहयोगियों के साथ विवाद ना करें वरना मामला गंभीर हो जाएगा और हरी इलायची खाकर घर से निकलेंगे तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। सिंह राशि, संतान पक्ष से लाभ होता हुआ दिख रहा है, संपत्ति की प्राप्ति के योग बने हुए हैं और साथ ही साथ उपहार का लाभ भी हो रहा है आपको। आज की सलाह ये है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों पर आपको ध्यान देना है, दवा समय से खानी है आपको, दवा खाने में लापरवाही नहीं करनी और घर से मीठी चीज खाकर निकलेंगे तो आज दिन भर किस्मत की मिठास आपके साथ बनी रहेगी। कन्या राशि, शाम तक समस्याएं आपकी सुलझने वाली हैं तो बहुत परेशान ना हो, हालांकि पेट का बहुत ध्यान रखना है और नौकरी में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं, कोई परिवर्तन होता है तो वो सकारात्मक होगा, उस दिशा में आप जा सकते हैं। आज की सलाह ये है कि अपने वाणी पर नियंत्रण आपको बनाए रखना है और पड़ोसी के साथ अनावश्यक बहस बिल्कुल नहीं करनी है वरना ये मामला गंभीर ना हो जाए और बड़ों के पैर छूकर घर से निकलेंगे तो आज मुश्किलें कम हो जाएंगी। बात करेंगे बाकी बची हुई राशियों की और बात करेंगे आज के रामबाण उपाय की भी, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। सुनीता ने हमें मेल लिखा है, मथुरा से लिखती है ये। 7 जुलाई 1977 का जन्म है, अर्ली मॉर्निंग 2:27 AM जन्म का समय है और जन्म का स्थान है मथुरा। सुनीता जी लिख रही हैं कि इनका स्वास्थ्य काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ऑपरेशंस काफ़ी हो चुके हैं इनके और अभी जो स्थिति है डॉक्टर एक सर्जरी के लिए कह रहे हैं, क्या इनकी सर्जरी समय होना निश्चित है? और दूसरी बात ये पूछ रही हैं कि स्वास्थ्य की समस्याओं को सुधारें कैसे, जीवन को बेहतर कैसे करें।
सुनीता जी, कुंडली का जो लीडिंग प्लेनेट है, जो स्वास्थ्य को कंट्रोल करता है, आपके जीवन को नियंत्रित करता है, उसका नाम बृहस्पति है, जुपिटर है। लेकिन जो ऑपरेशन बार बार हुआ उसके लिए शनि और मंगल जिम्मेदार हैं। शनि और मंगल की स्थितियों की वजह से बार बार सर्जरी की स्थितियां कुंडली में बन गई। अगर हम जुपिटर को बेहतर करें, क्योंकि पिछले दिनों ग्रह अच्छा नहीं था इसलिए आपको दिक्कतें हुई, लेकिन अगर हम अभी बृहस्पति को बेहतर करने का प्रयत्न करें तो आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। दो उपाय आपको करने होंगे तो उससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। वैसे ज्योतिष कहता है कि एक महीने के बाद अक्टूबर के महीने से आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है। एक तो रोज सुबह समय निकालें, आधे घंटे 40 मिनट का जो भी समय हो, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें, उससे लाभ होगा। और दूसरा, एक पीला पुखराज 4-5 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करने से लाभ अवश्य होगा। तो अगर आपके जीवन की भी कोई समस्या है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है aapketare@aajtak.com। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। तुला राशि, अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग बन गए हैं। आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिख रहा है, तो चीजें बेहतर हैं, लेकिन थोड़ी सी व्यस्तता भी बनी हुई है। आज की सलाह ये है कि देर रात्रि यात्रा से बचाव करिए। बाहर का खाना आज बिल्कुल मत खाइए, वरना तबीयत खराब हो सकती है। और घर से सौंफ खाकर निकलेंगे तो मुश्किलें कम होंगी, समस्याएं हल हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, लेकिन अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और कर्ज का लेन देन आज बिल्कुल नहीं करना है, वरना फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आज की सलाह यह है कि किसी भी काम में आज जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बिजली के सामानों को सावधानी से प्रयोग करेंगे, शॉक ना लग जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। और घड़ी लगाकर घर से निकलेंगे तो किस्मत की घड़ी आपके साथ चलती रहेगी। धनराशि, शिक्षा के मामलों में, प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोशिश करें तो नया काम भी आपका शुरू होगा और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी अवश्य होगी। आज की सलाह यह है कि काम के साथ साथ आराम का भी ध्यान जरूर रखें। धन संबंधी महत्वपूर्ण काम जितने भी हैं वो निपटा लें, उन कामों को न टालें। और साफ जूते चप्पल ही आज पहनिएगा, धूल वाले जूते चप्पल पहनकर मत निकलिएगा, वरना आपको मुश्किलें परेशान करेंगी। मकर राशि, संतान की तमाम समस्याएं आज हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर आप जा सकते हैं और आपको नाम यश की प्राप्ति के संकेत भी आज बने हुए हैं। आज की सलाह ये है कि स्वास्थ्य के मामलों में कोई भी लापरवाही ना करें। आप शब्दों का प्रयोग ना करें वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे। और घर से खाली पेट बिल्कुल मत निकलिएगा, कुछ खाकर निकलिएगा ताकि भाग्य का पक्ष मजबूत बना रहे। कुंभ राशि, परिवार में तनाव से बचना है, शांति बनाए रखें। रोजगार में सुधार होता हुआ दिख रहा है और आपको मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आज की सलाह ये है कि जो भी परिवार के मामले हैं उसमें उत्तेजित ना हो, क्रोधित ना हो, मामलों को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। मैदे से बनी हुई चीजें आज बिल्कुल ना खाएं और सुगंध लगाकर ही घर से निकलें तो मुश्किलें आज कम रहेंगी। मीन राशि, कान नाक गले की समस्या का ध्यान रखना होगा आपको, वरना आज तबीयत खराब हो सकती है। धन की समस्या आपकी हल होने वाली है और संतान की तरफ से आपको आनंद और सुख की प्राप्ति होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। सलाह क्या है, चिकित्सक की सलाह आपको माननी है। डॉक्टर अगर कोई सलाह देता है तो उसकी बात माननी चाहिए। घर की जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनको हटा दीजिएगा। और आज अपने पास एक पेन जरूर रखना है आपको, ऐसा करने से भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। तो हमने बात की मेष से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, और अब जान लेते हैं क्या है आज का रामबाण उपाय। अगर आपको गैस की लगातार समस्या रहती हो और भोजन के बाद गैस से और भी ज्यादा दिक्कत होती हो तो क्या करना चाहिए? भोजन के बाद अपने बालों में कंघी करिए, और कंघी इस तरह से करिए कि कंघी के जो दांत है ना वो आपके सर की त्वचा में ठीक तरीके से स्पर्श करें। हल्का सा प्रेस करके कंघी करिए।
इसके बाद पैरों को पीछे की ओर मोड़कर 2 से 3 मिनट तक आपको बैठना है। आप ऐसा करके देखिए, एक हफ्ते में आप देखेंगे जो गैस का प्रकोप है, गैस की समस्या है, वात की समस्या है, इस सप्ताह भर में समाप्त हो जाएगी, सप्ताह भर में नियंत्रण में आ जाएगी। हमने अलग अलग राशियों के लिए आज के तारों को समझा, अब बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में धन की स्थिति आपकी सामान्य रहेगी, एवरेज रहेगी, लेकिन किसी छोटी संपत्ति का लाभ होता हुआ आपको दिख सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी शादी इस वर्ष हो सकती है, अविवाहितों के मामले सुलझ रहे हैं। हालांकि पारिवारिक मामलों पर, अपने बड़ों के साथ संबंधों पर आपको ध्यान बनाए रखना होगा। सलाह यह है कि पूरे वर्ष शुक्रवार को देवी को सफेद फूल अवश्य अर्पित करिएगा और साथ ही साथ हल्की सुगंध भी पूरे वर्ष आप प्रयोग करते रहेंगे तो वर्ष आपके लिए बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ और आपके महत्वपूर्ण सवाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।